प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा एक जो वीडियो है वो आपको मदद करेगा कला के पेपर में। और कला के पेपर में क्या मदद करेगा, देखिए बच्चे, एक आप खंड ख जब स्टार्ट करते हैं उसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण देता है और साथ साथ आलेखन कला और प्राविधिक कला देता है। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपको ऐसा बनना चाहिए जो आसान भी हो, रंगने में आसानी हो और देखने में अच्छा लगे। तो आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, देखते हैं, ये बहुत आसान फिगर है, ठीक है। इसको हम आसानी से बताएंगे कि आप आसानी से कैसे इसको बना लें आपको, और आपको रंगने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में कभी कभी कुछ बातें ऐसा भी जोड़ करता है कि इन चीजों को भी जोड़ें, लेकिन अगर केवल प्राकृतिक दृश्य चित्रण करने के लिए कहता है तो आप इसी फिगर को चूज करेंगे तो बहुत अच्छा फिगर दिखेगा, जैसा कि आप फिगर पर देख भी सकते हैं। आइए बताते हैं आपको बनेगा कैसे। देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जब भी प्राकृतिक दृश्य चित्रण आएगा तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण का एक मेजरमेंट होता है, जैसे कह दे हो कि इस प्राकृतिक दृश्य को आप 22 सेमी और 18 सेमी के आयत में बनाइए, है ना। तो 22 और 18 का सबसे पहला आप पेंसिल और स्केल की सहायता से और 22 सेमी का एक बॉक्स खींचेंगे। मेरे पास टूल्स है, मैं डायरेक्ट खींच रहा हूँ, लेकिन आप पेंसिल की सहायता से ही इसको खींचिएगा, ठीक ना। ताकि आपको ये ध्यान रखिएगा, इस पर नंबर भी होता है और आप जब भी मेजर करें तो मेजर करके ये देख, इसको कितना रखें, इसको इधर वाले को 22 सेमी रखें और इधर वाले को 18 सेमी, अगर कहा है तो 18 सेमी पर ही इसको रखिए, ठीक है। अब आइए इसको हम फिगर्स को हम आपको एक बेहतरीन ढंग से बनाना सिखाते हैं, ताकि आप आसानी से एग्जाम में जब आप बनाएं तो आपको इस फिगर को बनाने में आसानी भी हो और देखने में भी ये अच्छा लगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए पेंसिल का जब भी कभी प्रयोग करिए तो पेंसिल्स कि नोक को अच्छा रखिए। नोक को अच्छा रखने के बाद देखिए क्या करिए, डॉटेड लाइंस फिगर, ये आपके दिमाग में इस फिगर को फिट करना होगा। और क्या करना चाहिए, कैसे बनाए फिगर्स को, देखिए इसको सबसे पहला काम ये वाला लाइनिंग बना लीजिए, ऐसे ऐसे जहाँ पर आप पहाड़ वहाड़ दिखाएंगे, ठीक है, इस लाइन्स को बना लीजिए, ठीक। और उसके बाद इस लाइन को बनाने के बाद, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आपका पेड़ दिख रहा है, तो इस पेड़ का भाग बना दीजिए, क्योंकि नीचे जब आएंगे ना तो आप नीचे वाले भाग को छोटा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जब वाले भाग को छोटा करते तो दिक्कत होता है, इसलिए पेड़ वाला भाग देखिए कैसा दिख रहा है। तो इसको आप पेड़ वाले भाग को भी ऐसे करके, मैंने कलर अलग रखा ताकि ये जो हम बना रहे हैं ये जब बने तो आपको ये अस्पष्टता इसमें दिखाई दे, इसीलिए मैंने पेड़ को अलग कलर्स में रखा, ठीक है। देखिए ये देखिए, आप सबसे पहले पेड़ का, ये जरूरी नहीं जैसा उसमें दिख रहा वैसे ही करें, ऐसे कर लें, ठीक। और फिर इसमें देखिए कुछ डाली भी दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं, और इसको ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, है ना। और जब भी यहाँ पर जो भी डाल्स होते हैं इनको एंडिंग पॉइंट के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना, इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए पेड़ को, ठीक, ताकि देखने में ये अच्छा लगे, ठीक। इसको इस तरह से आप घुमा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस पेड़ के बाद जब ये बन जाए तो आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर पर्वत भी दिखाना होता है, ठीक है। पर्वत भी कैसे दिखाएं, देखिए इसको आप ऐसे कर दीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ से उठाइए नीचे कर दीजिए, फिर आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक, ऐसे कर दीजिए। इसमें देखिए जो तो छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं उन पेड़ को भी बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पेड़ों को बना दीजिए यहाँ पर ऐसे, ताकि देखने में ये अच्छा लगे, ऐसे ऐसे करके। आपके पास रबड़ होगा तो जो भी चीज़ें खींचते हैं बाद में उसमें इसे मिटा भी सकते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए कुछ चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं, उसको हम हटा दें इस तरह से, है इसको बना दी। उसके बाद आपके पास ये देखिए, उसके बाद आप सूर्य बना दीजिए, ठीक। सूर्य कैसे बनाए, यहाँ देखिए यहाँ एक सूर्य बना दीजिए, कलर्स आप फील कर सकते हैं सूर्य को बना करके, ठीक है, ये बना दीजिए। इसके बाद आप इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं, ऐसे बना दीजिए, छोटा बड़ा बनाना चाहिए बॉर्डर्स को, ताकि ये जो सूर्य की रोशनी है वो आपको
छोटे बड़े में अस्पष्टता दिखाई दे। आप येलो कलर भी इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये देखिए, अब हम इसमें यहाँ का ये वाला भाग एसेप्ट करिएगा यहाँ से। ठीक, और यहाँ पे आप घर दिखा दीजिए। देखिए, इसको थोड़ा तिरछा रखिए ऐसे, और फिर इसको इधर से तिरछा कर दीजिए, ताकि जो घर का लुक है, इससे आपको घर का लुक अच्छा दिखाई देने लगे। ये देखिए, ऐसे मॉडल इसमें बना सकते हैं यहाँ से, और पुनः इस मॉडल को आप ऊपर कर दीजिए यहाँ से, फिर ये मॉडल आगे थोड़ा सा डेवलप करके आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, फिर इधर कर दीजिए। देखिए कोई है क्या यहाँ से। ठीक, और यहाँ पर इसको इस तरह से, ठीक, इसके बाद आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। मन करें एक ही घर बना करके छोड़ दीजिए, आप इसको घुमा दीजिए ऐसे, है ना। और यहाँ पर जो भी है कलर, ऐसे भी और भी घुमा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे घुमा दीजिए, फूल पत्ती जो भी बनाना हो, इजी होता है, फूल पत्ती बना दे। है ना, इसमें फूल पत्ती कुछ इस तरह से बना दीजिए। और भी यहाँ पर घास वास दिखा सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं बनाना चाहिए। और इसमें पानी का बहाव भी दिखा सकते हैं। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। अब इसमें जो है, आप जो फिगर बना चुके हैं, इस फिगर्स में आप दिए गए कलर का ही प्रयोग करें। इसमें जो भी कलर्स हैं, इस कलर को फिल कर सकते हैं आप। हमारे पास कलर फिलर है, हम यूज कर दें। आप भी अलग कलर्स से इसको यूज करिएगा। वैसे तो देखें तो यहाँ पर देखिए, इस पर पहाड़ को भी इस तरह से आप प्रयास करिएगा। यही कलर, ईटा वाला कलर ही यूज़ करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो सूर्य है, सूर्य का रेड कलर यूज कर दीजिए, या तो रेड कलर या तो येलो कलर, कोई दिक्कत नहीं, येलो कलर यूज कर लीजिए। घर में येलो कलर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर येलो कलर, यहाँ पर भी येलो कलर यूज कर सकते हैं। जहाँ से भी अगर खुला होगा तो ये येलो कलर बाहर हो जाएगा, इसको नहीं करेंगे। ठीक, अब इसको भी येलो कलर, घर को भी ज़्यादा येलो कलर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक, इस तरह से। और घर का जो ये जो रास्ता है, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये सब यहाँ पर चेंज कर दीजिए। ठीक, इसको चेंज कर दीजिए। इसके बाद जो भी आप फूल उल बनाए, इसके बाद आपका जो पानी का कलर है वो चेंज कर दीजिए। जो पानी का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे देखिए, हम बता रहे हैं। इसमें जब भी खुला हुआ रहेगा, वहाँ से ये कलर इस पार आ जाता है। पानी का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, इस कलर में रख दीजिए इसको। इसके बाद फिर आप देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ कलर्स होते हैं जिसमें आप शेडिंग कर सकते हैं। देखिए, इसमें शेडिंग किया है रेड वोट कलर से, तो आप इसकी शेडिंग कर दीजिएगा। ऊपर आसमान की जो आसमान का कलर है, उसको भी सेट पे रखिएगा। ठीक ना, सेट पे कर दीजिएगा। ग्रीन कलर ले सकते हैं, ग्रीन कलर से आप इसको कलर कर दीजिए। यहाँ जो चीज़ें दी गई हैं, इसको आप ग्रीन कर दीजिए। ठीक है, ये ग्रीन कर देते हैं। ऊपर आसमान का कलर भी चेंज कर दीजिए, और साथ साथ ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इनको ग्रीन कर सकते हैं। ये पहाड़ का जो कलर है यहाँ पर, ये भी चेंज कर दीजिए। ठीक है,
उसके बाद आप जो कलर्स है ग्रीन के साथ येलो भी मैच करा करके आप यहाँ कलर कर दीजिए। इस तरह से इसको इस रंग में रखिए, पेंसिल वाला कम ब्लैक का जो है बहुत हल्का में कलर कर दीजिए तो भी अच्छा लगेगा। वो ब्लैक का हल्का भाग, नीचे वाले भाग को आप चेंज कर दीजिए कलर में इस तरह से, ठीक है। और यहाँ जो दिख रहे हैं पौधों की पत्तियाँ जो है हरे कलर से कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें बनाना नहीं चाहिए, जो भी चीज़ें बने आपसे है ना उन चीज़ों में ये ध्यान रखिए कि हम जो बना रहे हैं वो बना हुआ भाग कैसा हो, उसमें हमको ज़्यादा कलर ना फील करना, ठीक है। ज़्यादा कलर फील कर जब करना पड़ता है तो वो जो स्पष्टता वो ख़त्म हो जाती है। इसमें कलर्स वलर्स वाला ज़्यादा ऑप्शन ना रखें, है ना। इस तरह से इसको आप फील कर लीजिए कलर जो भी दिया गया। ठीक है, तो आप प्राविधिक जो भी आप प्राकृतिक दृश्य बनाइएगा उसमें इसमें इस तरह की स्पष्टता रखिएगा। कुछ चीज़ें आप इसमें जो दिख रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा भी लीजिए, नहीं भी बढ़ाएंगे तो आपका अच्छे तरीके से बन जाएगा। ऊपर जो आसमान का कलर है ना, ऊपर जो आसमान का कलर है उस आसमानी ही रखा जाता है, ठीक। इसको आसमानी कर सकते हैं आप इस तरह से, आसमान का कलर, ठीक। तो और इसमें कुछ पक्षियों को भी उड़ते हुए आप दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, इजी होता है इस पक्षियों को दिखाना, है ना। पक्षियाँ जब भी दिखाना हो इस तरह से पक्षियों को दिखा दीजिए। तो हमको लगता है आप प्राकृतिक दृश्य इस तरह से अच्छे ढंग से बना सकते हैं और आसान विधि से बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम आपको दो वीडियोस देने वाले हैं। कौन कौन सी वीडियोस? कुछ वीडियोस दे रहे हैं जो आप खंड ग से करेंगे। इसमें से हमें प्राकृतिक दृश्य आपको सिखा दिया, आलेखन भी सिखा देंगे और प्राविधिक कला। बहुत सारे कमेंट आए प्राविधिक कला बनाने के लिए, हम प्राविधिक कला आपको बताएंगे और साथ साथ हम आपको क्या बताएंगे, कौन सा स्मृति चित्रण खंड ग। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।